हेलो ग्लैम लेडीज़, वेलकम टू योर ओन चैनल ग्लैम लेडीज। सो आज का वीडियो है आप अपर लिप्स अच्छे से कैसे करें विद द वैक्स। आप लोग थ्रेड से भी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू टू डू अपर लिप्स थ्रू अ वैक्स। इससे क्या होता है ना, आपकी जो आसपास की टैनिंग होती है ना वो भी उतर जाती है। सो लास्ट तक वीडियो देखना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता रहे कि कैसे करना है। रिजल्ट्स परफेक्टली आए हैं और घर पर बहुत आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा प्रोफेशनल वो नहीं चाहिए। सो पहले सबसे पहले पाउडर लगा लो। हमेशा बताती हूँ पाउडर इसलिए होता है बेसिकली ताकि आपके ब्लैक हेयर्स विजिबल हो। सेकंड, हॉट वैक्स लेकर नॉर्मल वैक्स से भी कर सकते हो। इस तरह का लकड़ी का स्पैटुला आता है उससे करिएगा, जो जैसे आइसक्रीम की डंडी होती है ना, सेम वैसे ही होता है। रीज़न इज़ दैट कि जो लोहे वाला स्पैटुला होता है वो बहुत गर्म हो जाता है और स्किन पर निशान पड़ सकते हैं। ये वाला स्पैटुला उस तरह से हीटेड नहीं होता, इसलिए इस रीज़न से फेस पर इस तरह के स्पैटुला से वैक्स की जाती है। अगर आप पार्लर जाते हैं और वो लोहे का करते हैं तो उन्हें बताइएगा कि प्लीज इस तरह का स्पैटुला यूज करें, स्किन पे कहीं भी जलने का रिस्क कम होता है। फिर आप हेयर्स की ही ग्रोथ में इस तरह से वैक्स को लगाएं और फिर दोबारा से वही कि स्ट्रिप को अपोजिट साइड पर करना है, अपोजिट साइड पर से स्ट्रेच करें और बालों को आराम से रिमूव करें। कोई पेन नहीं होता है अगर आराम से स्ट्रेच कराओ। एक जोक मैंने बीच में डाला है, उसके बाद दोबारा अपोजिट साइड पर भी डालें, सेम ही लगाएं वैक्स को आपके हेयर्स की डायरेक्शन में। और कैसे स्ट्रेच करना है दोबारा, जो भी आप बंदा कर रहा है वैक्स उसको बोले कि आप अपने लिप्स की अपने टंग की हेल्प से वहाँ पर प्रॉपर से स्ट्रेच करें ताकि बल्जिंग ना हो, फिर कुछ पेन ना हो। अगर बल्जेज होती है ना फिर पेन होता है, स्किन आ जाती है, अदरवाइज़ कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। आराम से आप उसको अंदर अपनी टंग की हेल्प से स्ट्रेच करें, बाल विजिबल जहाँ पर दिख रहे हैं दोबारा से चेक करें, दोबारा से वैक्स लगाएं और फिर स्ट्रिप की हेल्प से स्ट्रेच कर दें। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल स्टेप्स है, ईजिली हो जाता है। बट स्टेप स्टेप देखते जाओ, पहले लेफ्ट कवर करो, फिर राइट कवर करो, फिर मिडल में वैक्स लगाओ। थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके लगाना, इकट्ठे वैक्स नहीं लगानी क्योंकि हीट से स्किन बर्न होने के चांसेस होते हैं। अगेन कॉटन और एस्ट्रिंजेंट, और आपके पास एलोवेरा जेल भी हो अगर, उसकी हेल्प से क्लीन करो, कोई भी स्किन इन्फेक्शन या रैशेस के चांसेस कम होते हैं। देन मसाज इज़ द मैंडेटरी स्टेप, उस एरिया को मसाज करो ताकि उसको रिलैक्स मिले।